अस्सलाम वालेकुम, हम कैम्ब्रिज ओलेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक ही बुक में कंप्लीट कोर्स कवर करती है, कैम्ब्रिज की तरफ से रिकमेंडेड भी है और उसके एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन भी मुनासिब हैं। चैप्टर 15 विच इज़ वर्किंग विद नंबर्स, बेसिक चैप्टर है, वो कर रहे हैं आज स्टार्ट। और इसमें सिर्फ दो ही एक्सरसाइज हैं, 15.1 और 15.2। अच्छा, मज़े की बात है कि इसके एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। वो क्यों? क्योंकि नंबर्स की मैनिपुलेशन के अंदर कुछ काम इसमें सिखाया गया है और वो दूसरे चैप्टर्स के सवालों में साथ में ये वाली मैनिपुलेशन भी आ जाती है, इसलिए इसके अलग से सवाल तो शायद इतने नहीं होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे सवाल हैं जो किसी और टॉपिक के सवाल हैं लेकिन साथ में उसमें ये वाले ऑपरेशन भी करना है। तो 15.1 देखते हैं, जो कि टॉपिक है अपर बाउंड और लोअर बाउंड। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ये सब हमने किया हुआ है पिछले चैप्टर्स में, लेकिन ये कि उसका एक नए एंगल से, या यूँ कह लें कि मज़ीद कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हो सकता है, उसको देखेंगे इसके जब हम एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। दो नंबर दिए हैं एक्स और वाई। अब हम क्या करेंगे, इसका एक टेबल बना लेंगे। एक्स की वैल्यू जो है वो 14 है और y की वैल्यू जो है वो 12 है। लोअर बाउंड क्या होता है? क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट नंबर है बता रहे हैं, विच इज़ नियरेस्ट होल नंबर, तो वंस के अंदर नियरेस्ट है। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा पीछे ले लिया, यहाँ होना चाहिए। अब ठीक है, तो नियरेस्ट टू द होल नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 14 जो है अगर कम से कम होगा तो 13.5 हो सकता है, और 12 जो कम से कम हो सकता है वो 11.5 हो सकता है। अगर 11.4 होता तो ये 12 ना बनता, ठीक है ना। इसी तरह से इसका अपर बाउंड जो है, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या नंबर हो सकता है, ये 14.4 हो सकता है। अगर ये 14.5 होता तो ये 15 हो जाता। इसी तरह से 12.4 हो सकता है, 12.5 होता तो ये 13 हो जाता। इसका आंसर बुक में जो है ना वो ठीक नहीं है, तो वो आप बुक से नहीं देख सकेंगे इसके सॉल्यूशन। अब इसमें उनको मालूम करना है कि x माइनस वाई निकालें अपर बाउंड के साथ भी और लोअर बाउंड के साथ भी, ठीक है। तो हम यहाँ निकालते हैं x माइनस वाई, लोअर बाउंड के साथ x माइनस वाई निकालें तो 13.5 माइनस 11.5 आंसर आएगा 2। अपर बाउंड के साथ निकालें 14.4 और 12.4, फिर भी आंसर आएगा 2। तो x माइनस वाई तो दोनों सूरतों में सेम रहेगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अपर बाउंड में भी और लोअर बाउंड में भी, अपर बाउंड का मतलब, लोअर बाउंड का मतलब है 13.5 स्क्वायर इंटू 11.5 स्क्वायर, तो ये निकाल लीजिए। ये वैसे आप चाहें तो कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, और कैलकुलेटर से ही निकलेगा ये जल्दी, तो अगर इसको निकालना है तो 2.56 है, तो 103 हो जाएगा, क्योंकि हम नियरेस्ट टू होल नंबर कर रहे हैं इसको। जबकि इसका जो अपर बाउंड के साथ निकालना है तो 12.4 और 14.4, तो 14.4 इंटू 14.4 इंटू 12.4 इंटू 12.4 विच इज 31884 विच इज 14.4 का स्क्वायर इंटू 12.4 का स्क्वायर, ठीक है जी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं x इंटू वाई निकालें, x इंटू वाई निकालें, तो x अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों में कर लीजिए, अभी खुद कर लीजिएगा आगे आप।
लोअर बाउंड से करते हैं तो 13.5 इंटू 11.5, और अपर बाउंड में करते हैं तो 14.4 इंटू 12.4, और फिर एक्स अपॉन वाई इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा। एक्स अपॉन वाई करते हैं तो लोअर बाउंड में 13.5 अपॉन 11.5 इसका आंसर निकाल लीजिएगा, और 14.4 अपॉन 12.4। ठीक है जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर वन पूरा। क्वेश्चन नंबर बी के अंदर अब ये होल नंबर से बाहर निकल के वन प्लेस ऑफ डेसिमल तक चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल वही रहता है। जैसे कि ए दिया हुआ है, ए बी सी, वैसे ही करेंगे हम, अपर बाउंड लोअर बाउंड, ए की बी की और सी की वैल्यूज। ए एक्चुअली दिया हुआ है 16.9, बी दिया हुआ है 7.3 और सी दिया हुआ है 5.8, और टू वन डेसिमल प्लेस। इसका मतलब है, अच्छा अपर बाउंड पहले लिख दिया मैंने, ओके, इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है 16.95 हो गया तो 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17.3435 हो गया तो 4 हो जाएगा, ये हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 5.84, कम से कम ये हो सकता है 16.85, ये हो सकता है 7 है, ये मैंने यहाँ 3 लिख दिया, 7 है, ये 7 है, ये 7.25, 7.24 हो गया तो 7.2 हो जाएगा, जो हो जाएगा 5.75। ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकला है, बाकी तो आप खुद ही निकाल लीजिए। ए इंटू बी इंटू सी निकालना है दोनों बाउंड्स के लिए, अपर बाउंड और लोअर बाउंड के लिए, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16.94 इंटू 7.34 इंटू 5.84 जो भी आंसर आ जाए। लोअर बाउंड में 16.85 इंटू 7.25 इंटू 5.75। ठीक है, सिमिलरली जितने भी ऑपरेशंस हैं वो दोनों सिचुएशंस के लिए ऑपरेशंस कर लीजिए। ए बी अपॉन सी करना है तो ए बी अपॉन सी, ए इंटू बी अपॉन सी, फिर ए इंटू बी अपॉन सी, वैल्यूज निकाल लीजिए। सिमिलरली ए प्लस बी अपॉन टू इंटू सी, ये भी निकाल सकते हैं, ए प्लस बी अपॉन टू इंटू सी, वर्ड मास का ख्याल रखेंगे बस आप, ए प्लस बी यानी 16.94 प्लस 7.34 अपॉन टू, पहले ये कर लें फिर उसको मल्टीप्लाई कर लें 5.84 से, सिमिलरली यहाँ भी कर लें, ख़त्म हो गए एक्सरसाइज। फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दीजिएगा, इसका ख्याल रख लें, तो ये भी आपको सिखा रहे हैं। ये वाला फॉर एग्जांपल मैं निकाल के दिखाता हूँ कि 16.94 इंटू 7.34 इंटू 5.84, तो आंसर आ रहा है 7.26.143264। फोर सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है बस ये चाहिए इनको, तो ये चूंकि 5 से कम है तो ये ख़त्म ही हो जाएगा, 7.26.1 आंसर आ जाएगा। ऐसे होंगी फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया 15.1 का काम, इसको कंप्लीट कीजिए। हम आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।